ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है ये दुनिया। समाज का आईना दिखाने वाली फिल्म प्यासा अपनी कथा वस्तु, कल्पनाशील निर्देशन, सधे हुए संवाद और बेहतरीन अभिनय के कारण ही नहीं बल्कि अर्थपूर्ण गीतों के कारण भी कालजयी बन गई थी। कहाँ है मुहाफिज खुदी के जिन्हें नाज है हिंद पर। गुरुदत्त की 1957 की फिल्म प्यासा दुनिया में अब तक बनी टॉप 100 फिल्मों में से एक है। बेहतरीन संगीत और अभिनय की वजह से इस फिल्म ने बॉलीवुड में इतिहास रच दिया था। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार मिला। इस फिल्म ने हालांकि जनमानस को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन ये फिल्म इतनी गंभीर बन गई थी कि वितरकों ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के फ्लॉप होने की भविष्यवाणी कर दी थी। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। ऐसे में फिल्म के निर्देशक गुरुदत्त ने इस फिल्म को फ्लॉप होने से बचाने के लिए मोहम्मद रफी की आवाज का सहारा लिया था। इस वीडियो में मैं श्वेता जया आपको बताने जा रही हूं आखिर क्लासिक फिल्म प्यासा के बन जाने और उसके रिलीज होने के बाद उस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया कौन सा गीत रखा गया और उस गीत को क्यों रखा गया। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, प्यासा एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने की प्यास दशकों बाद भी कायम है। लेखन, कला और संगीत में पिरोई हुई प्रेम लीलाएं, हर एक दृश्य के भाव के साथ बेहतरीन प्रस्तुतिकरण, शायद ही किसी और फिल्म में ये नजारा देखने को मिले। वो सब तुम्हारे लिए आए थे, तुम जाके हमें समझाते क्यों नहीं। मैं वो विजय नहीं, वो तो कब का मर चुका। मर चुका। हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्मकार गुरुदत्त की फिल्म प्यासा साल 1957 में आई थी, जिसे मशहूर टाइम्स मैगजीन ने 5 ऑल टाइम रोमांटिक फिल्मों के लिस्ट में शामिल किया था। माला सिन्हा, गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अभिनय से सजी प्यासा फिल्म को हिंदी सिनेमा में इतिहास रचने वाली ऐसी फिल्म माना जाता है जिसकी तुलना आने वाले सालों में किसी भी निर्देशक की फिल्म नहीं कर सकती है। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। इस फिल्म के सभी गानों ने लोकप्रियता के शिखर को छुआ और आज भी फिल्म के हर गाने लोगों की जुबां पर हैं। जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो ये इस्मत के सौदे ये सौदों पे तकरार जिन्हें नाज है घायल हर एक रूह प्यासी ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए आजा प्यारे पास हमारे। लेकिन जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई और जब ये वितरकों को दिखाई गई, तब वितरकों ने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया। उनका मानना था कि ये फिल्म वैसे तो बहुत ही ऊंचे दर्जे की है, लेकिन फिल्म इतनी गंभीर है कि लोगों के लिए इस फिल्म को झेलना कठिन होगा। वितरकों का सुझाव था कि ऐसी गंभीर फिल्म में एक रोमांटिक गीत जरूर रखा जाना चाहिए और वो रोमांटिक गीत मोहम्मद रफी की आवाज में होनी चाहिए। वितरकों का मानना था कि अगर फिल्म में मोहम्मद रफी का कोई रोमांटिक गाना हो तो फिल्म में जाना जाएगी और फिल्म फ्लॉप होने से बच जाएगी। ऐसे में गुरुदत्त ने इस फिल्म में रोमांटिक गीत डालने के लिए एक सिचुएशन तैयार किया और उस सिचुएशन को ध्यान में रखकर साहिर लुधियानवी से एक रोमांटिक गीत लिखवाया जिसकी धुन सचिन देव बर्मन ने तैयार की। इस युगल गीत को मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो वही हुआ जिसका अनुमान लगाया गया था। ये गाना हिट हो गया और साथ ही साथ फिल्म चल पड़ी और ये फिल्म उस साल की सुपरहिट फिल्म साबित हुई। फिल्म में ये गाना गुरुदत्त और माला सिन्हा पर फिल्माया गया है। दोनों लिफ्ट में मिलते हैं और फिर यादों में खो जाते हैं और यादों में ही वो गाना आता है और दोनों उस गाने पर रोमांस करते हैं। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
ये बहुत ही खूबसूरत गाना है और उसी खूबसूरती से इस गाने को पर्दे पर उतारा गया है। इस गाने में मोहम्मद रफी के अलावा गीता दत्त की आवाज भी काफी रोमांटिक लगती है। हम नींद के फिल्म प्यासा को क्लासिक फिल्म का दर्जा दिया गया। आज भी उस फिल्म को सफलतम फिल्म के तौर पर जाना जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है जब मोहम्मद रफी के गानों ने फिल्म को फ्लॉप होने से बचा लिया था। इन जुल्फों में गूंजेंगे हम फूल मोहब्बत के। तो दोस्तों, आप इस गीत और फिल्म प्यासा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।